एपिसोड की शुरुआत में हमें ऑपरेशन थिएटर का सीन दिखाया जाता है जहां पे पेशेंट का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है और पल्स रेट 92 होता है जो कि ऑपरेशन के लिए एकदम परफेक्ट कंडीशन होता है। यहां पे डॉक्टर केंजो तेनमा ऑपरेशन कर रहे होते हैं और वो धीरे से बुलेट को निकाल देते हैं उसके दिमाग के अंदर से और उसके बाद सारे डॉक्टर थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। इसके बाद डॉक्टर तेनमा बोलते हैं इतनी जल्दी हमें रिलैक्स नहीं होना चाहिए, अभी भी हमें ब्लड वेसल को रिपेयर करना है। और उसके बाद ऑपरेशन आगे चालू होता है और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, जो पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर और पल्स रेट ठीक होता है और एनेस्थीसिया भी उसके ऊपर काफी अच्छी तरह से काम कर रहा होता है। इसके बाद डॉक्टर तन्मा बाहर आके बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने अपना काम कर दिया, तुम जिंदा रहो और एक अच्छी जिंदगी गुजारो। इसके बाद डॉक्टर बोयर वहां पे आते हैं और डॉक्टर तन्मा पूछते हैं कि ऑपरेशन कैसा गया। डॉक्टर बोयर बोलते हैं कि लगता है तुम्हारा ऑपरेशन अच्छा गया। तन्मा बोलते हैं कि हां ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। आगे डॉक्टर बोयर बताते हैं कि मेयर मर चुके हैं और तब तन्मा थोड़ा सा निराश होता है और बोलता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ। और डॉक्टर बोयर बोलते हैं कि ऐसा मत बिहेव करोगे जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता, ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम हमें आधे रास्ते में छोड़ के नहीं जाते तो फिर वो बच सकते थे। इसके बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं लेकिन मैं एक बच्चे का ऑपरेशन कर रहा था जो मेयर से पहले आया हुआ था। और डॉक्टर बुयर बोलते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन पहले आया था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुमने अपनी टीम को आधे रास्ते में छोड़ दिया, तुम्हारी वजह से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसको फिलअप करने में हमारा सारा टाइम चला गया और इसके जिम्मेदार तुम हो डॉक्टर तन्मा। इसके बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं मेरी बात तो सुनो, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनते और आगे बढ़ जाते हैं। तभी चीफ ऑफ सर्जरी भी वहां पे पहुंच जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेयर के ऊपर ऑपरेशन करो, ये डायरेक्टर का ऑर्डर है, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। इसके बाद डॉक्टर तन्मा कुछ कहना चाहते हैं लेकिन चीफ ऑफ सर्जरी उनकी बातें बिल्कुल नहीं सुनते और बोलते हैं कि सर्जरी डिपेंड करती है भरोसे के ऊपर, एक स्टाफ का दूसरे स्टाफ के ऊपर जब भरोसा होता है तब जाके एक सर्जरी कंप्लीट होती है, लेकिन तुमने अकेला काम करना पसंद किया, ये सारी बातें मैंने डायरेक्टर को बता दी और डायरेक्टर को बहुत बुरा लगा तुम्हारे इन कामों की वजह से, तुम्हारी हरकत की वजह से अस्पताल का रेपुटेशन भी घट गया, अब तुम अपने आप को तैयार करो अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए। इसके बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं जरा एक मिनट रुको मेरी बात तो सुनो, लेकिन इनकी बातें कोई नहीं सुनता और वो सब आगे बढ़ जाते हैं, अक्सर अच्छे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। इसके बाद एक नर्स आके डॉक्टर तन्मा को बच्चे की हालत के बारे में बताती है और उसकी हालत काफी अच्छी होती है, जिसको सुनने के बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। और तब नर्स बोलती है कि आपने एक कमाल का ऑपरेशन किया है, लेकिन डॉक्टर तन्मा कुछ भी नहीं सुनते और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर तन्मा का रूम देखते हैं जहां पे टीवी पे न्यूज आ रही होती है कि मेयर की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से मेयर के ऑफिस के सामने बहुत सारे लोग फूल लेके खड़े होते हैं। आगे पता लगता है कि एल्सर मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था जहां पे डॉक्टर हाइनमैन बताते हैं कि मेयर की मौत दिमाग के अंदर का नस फटने की वजह से हुई है, हमने बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। इसके बाद न्यूज में लीवर फैमिली के हत्याकांड के बारे में बात की जाती है और पता लगता है कि पुलिस का मानना है कि शायद ये कोई चोरी की वजह से हत्या की गई है या फिर कोई पॉलिटिकल इश्यू है। और उनके जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें से बेटे के सर के अंदर गोली लगी होती है जिसको बचा लिया गया होता है सर्जरी की मदद से, लेकिन अभी भी वो बेहोश होता है। इसके बाद डॉक्टर तन्मा सोचता है कि पता नहीं उस लड़की के साथ क्या होगा, उसकी हालत और मेरी हालत सेम है। इसके बाद हम अस्पताल का सीन देखते हैं जहां पर नर्स बोलती है कि जो रायनहार्ट आईसीयू में है वो कंप्लेन करें कि उनको नींद नहीं आ रही, क्या हम उनको कोई टैबलेट दे सकते हैं। और डॉक्टर तन्मा निराश होते हैं, उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता। तब नर्स बोलती है कि क्या आप मेरी बात सुन भी रहे हैं। और डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि हाँ, उन्हें एक हलसिन टैबलेट दे दो। तभी डॉक्टर बेकर आके बोलते हैं कि जरा देखो तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी काम पे नहीं है, क्या तुम ठीक हो डॉक्टर तन्मा। इसके बाद डॉक्टर तन्मा कुछ नहीं कहता है और डॉक्टर बेकर बोलते हैं क्या तुम्हें डायरेक्टर ने कुछ कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यह अस्पताल पॉलिटिक्स के द्वारा चलता है, अगर तुम उनकी बातें मानते हो उनके हिसाब से काम करते हो तब जाके तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होता है। फिलहाल के लिए तुम और मैं दोनों एक ही कश्ती पे सवार हैं, तुम्हें जिंदगी से ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए, तुम्हें जिंदगी के अंदर ऐसे मौके बार बार मिलते रहेंगे और तब तुम अपने आप को साबित कर सकते हो, तो चलो जाके थोड़ा दारू पीते हैं और अपने आप को चीयर अप करते हैं। इसके बाद एक डिटेक्टिव अस्पताल में आता है और वो नर्स से पूछता है क्या मैं उस जुड़वा लड़की से बात कर सकता हूँ, मुझे उससे कुछ सवाल करने हैं। और वो नर्स बोलती है कि मुझे माफ करना, फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि वो जुड़वा लड़की अपने रूम से बाहर जा चुकी है, मुझे उसे ढूंढना है। इसके बाद डिटेक्टिव नर्स के पीछे जाने लगता है और नर्स बोलती है कि वो हमेशा ऐसा ही करती है, वो रूम से बाहर निकल जाती है और पूरा अस्पताल घूमने लगती है। इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो आगे बढ़ रही होती है और बोलती है कि मार दो उसे, मार दो। इसके बाद हम एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पे सारे डॉक्टर आए होते हैं और डॉक्टर हाइनमैन भाषण दे रहे होते हैं, वो बताते हैं कि एल्सर मेमोरियल हॉस्पिटल अभी टॉप में है, लेकिन कल जो हुआ वो बहुत ही दुखद बात है क्योंकि हम मेयर की जान नहीं बचा पाए, डॉक्टर बुयर और डॉक्टर आइजन ने बहुत कोशिश की उनको बचाने के लिए, इसलिए उनके लिए एक ताली हो जाए। और सब लोग तालियां मारने लगते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर तन्मा को देखते हैं जो अपने हाथों में वाइन का ग्लास लेके एक किनारे पे खड़े हुए होते हैं और तभी वो डॉक्टर हाइनमैन को देखते हैं जो एक यंग डॉक्टर की तारीफ कर रहे होते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैंने
मैंने तुम्हारा पेपर देखा, तुम्हारा पेपर काफी कमाल का है, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने रिसर्च को कंप्लीट करोगे। इसके बाद डॉक्टर तन्मा अपना वाइन का ग्लास टेबल पर रखते हैं और डायरेक्टर हैनामैन के पास जाके बोलते हैं कि कल जो कुछ भी हुआ उस सब के लिए मुझे माफ कर दीजिए। डायरेक्टर हैनामैन बोलते हैं कि जो बात बीत चुकी है सो बीत चुकी है, उसके बारे में सोच के क्या ही फायदा, तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा। इतना सुनने के बाद डॉक्टर तन्मा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और तभी अनाउंसमेंट की जाती है कि जो न्यूरोसर्जरी के हेड है वो प्लीज आए और अपना भाषण दे। और डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि मुझे माफ करना है, मुझे जाना होगा, मुझे बुलाया गया है। और डॉक्टर हैनामैन बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें नहीं बुलाया गया है। और तभी हमें पता लगता है कि डॉक्टर ब्यूर अभी न्यूरोसर्जरी के हेड है, यानी कि डॉक्टर तन्मा को निकाल दिया गया होता है उनकी पोजीशन से, जिसको सुनने के बाद डॉक्टर तन्मा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि सर ये सब क्या है, इसका क्या मतलब है। डॉक्टर हैनामैन बोलते हैं अगर तुम इस अस्पताल में रहना चाहते हो तो रह सकते हो, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से तुम्हें कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा, तुम्हारा जिस तरह का कैरेक्टर है उस तरह से तो हम तुम्हारी प्रमोशन नहीं कर सकते, तुम्हें स्किल सर्जन हो और उससे ज्यादा कुछ नहीं, फ्यूचर में तुम्हें पेपर भी प्रेजेंट करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं लेकिन सर एक बार के लिए मेरी बात तो सुन लीजिए। डायरेक्टर हैनामैन बोलते हैं कि अगर तुम किसी और अस्पताल में जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं लिखूंगा, जिंदगी में तुम्हारा कोई मकसद नहीं होने वाला है, जिस तरह के डॉक्टर तुम बनने वाले थे अब तो ऐसा नहीं होने वाला, तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर तन्मा काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं और डॉक्टर बुयर भाषण में बता रहे होते हैं कि टीम वर्क सबसे ज्यादा जरूरी है सर्जरी के अंदर, तुम्हें एक दूसरे की मदद करनी होगी तीसरे की जिंदगी बचाने के लिए। इसके बाद डॉक्टर तन्मा बाहर आ जाते हैं और तभी वहां पे एक गाड़ी आती है, जो गाड़ी होती है ईवा की। ईवा को देखते ही डॉक्टर तन्मा उसकी तरफ तेजी से भागते हैं और बोलते हैं कि मेरे लिए अपने पापा से बात करो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने बस एक इमरजेंसी केस ही तो हैंडल किया था, जो पहले आया मैंने उसका ऑपरेशन किया, इसमें मेरी क्या गलती। लेकिन ईवा इसकी बातें नहीं सुन रही होती, वो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और इसके बाद वो एक रिंग दिखाती है, जिसको देखने के बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं अरे ये तो हमारी एंगेजमेंट रिंग है। इसके बाद ईवा बोलती है तुम बेवकूफ हो, और ये रिंग वो नीचे गिरा देती है। जो सब देखने के बाद डॉक्टर तन्मा भावुक हो जाते हैं और जोरों से ईवा का नाम पुकारते हैं, ईवा इग्नोर मार के इनको चली जाती है। और अंदर एक डॉक्टर होता है जिसका नाम होता है डॉक्टर नॉर्डन, वो उनसे फ्लर्ट करने लगती है, वो डॉक्टर भी बड़ा ठरकी होता है, वो भी इससे फ्लर्ट करने लगता है। ईवा तो अपने बाप से भी चार गुना गई गुजरी है, इतना बड़ा हरामी कोई कैसे हो सकता है। इसके बाद हम उस बच्चे को देखते हैं और इसका नाम जोहान होता है, जोहान के सामने डॉक्टर तन्मा बैठे होते हैं और वो काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं और बोलते हैं कि काफी अच्छी हंसी थी ना, जब मैंने डायरेक्टर हैनामैन का एक पेपर पढ़ा तब उससे मैं काफी ज्यादा प्रभावित हो गया और मैं जर्मनी आ गया और यहाँ पे आके डॉक्टर बन गया और जो कुछ भी हूँ उस पेपर की वजह से, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो पेपर भी जरूर किसी और ने लिखा होगा, मुझे पता था कि मुझे यूज किया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पे काम करता रहा क्योंकि मुझे लगा था कि जब मैं एक पोजीशन में आ जाऊंगा, एक अच्छे पोजीशन में आ जाऊंगा, तब मैं अपने हिसाब से काम कर पाऊंगा और अपने रिसर्च को आगे बढ़ा पाऊंगा। इसके बाद इसको डायरेक्टर हैनामैन की बात याद आती है, जिसने कहा होता है कि वीआईपी सबसे ऊपर और सबसे आगे होते हैं, और डॉक्टर तन्मा चिल्ला के बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, एक डॉक्टर के लिए उसकी पेशेंट की जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद इसको ईवा की बात याद आती है, जिसने कहा होता है कि सबकी जान की कीमत बराबर नहीं होती, और तन्मा चिल्ला के बोलता है कि नहीं तुम गलत हो, सबकी जान की कीमत बराबर होती है, मैं गलत नहीं हूँ, तुम्हारे हिसाब से मेरा कैरेक्टर सही नहीं है तो फिर तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, तुम अपने आप को एक डॉक्टर कहते हो लेकिन तुम सिर्फ एक घूसखोर हो, तुम सिर्फ पैसों के पीछे भागते हो, तुम एक बहुत बड़े कमीने हो, मर क्यों नहीं जाते कमीने तुम अगर मर जाते तो अच्छा होता कमीने कहीं के। इसके बाद डॉक्टर तन्मा गहरी सांस लेता है और खड़ा होता है और वो जोहान से शुक्रिया अदा करता है, बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी आंखें खुल गई, डॉक्टर के हिसाब से मुझे कैसा होना चाहिए था तुमने मुझे ये सिखाया, तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जियो। और डॉक्टर तन्मा यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद यहाँ का लाइट बंद हो जाता है और तब हम देखते हैं कि जोहान की आंखें थोड़ी सी खुलती है, यानी कि जोहान अभी होश में आ चुका है और शायद उसने डॉक्टर तन्मा की सारी बातें सुन ली है। इसके बाद हम डिटेक्टिव को देखते हैं, जो जोहान की जुड़वा बहन आना लीवर्ट से बोलते हैं कि तुम्हारा नाम आना लीवर्ट है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं, और आना बिल्कुल भी रेस्पॉन्ड नहीं करती। इसके बाद डिटेक्टिव हार मान के डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम उससे बातचीत कर पाओ, आखिरकार उसके माँ बाप उसके आंखों के सामने मारे गए थे, भले उसके शरीर में एक भी चोट नहीं है लेकिन उसके दिमाग के अंदर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है, तो तुम्हें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। इसके बाद डिटेक्टिव बोलता है ये तो हम नहीं कर सकते, ये एक मुश्किल केस है, ईस्ट जर्मनी का एक डिप्लोमैट यानी कि एक पॉलिटिशियन मर चुका है, अगर हम इसको जल्दी से सॉल्व नहीं करते तो फिर बीकेए आ जाएगा और उसके बाद वो हमारा सारा क्रेडिट चुरा ले जाएगा, बीकेए कुछ और नहीं जर्मनी का सीआईडी है। इसके बाद डिटेक्टिव बोलता है क्या हम इसको इसके भाई से नहीं मिला सकते, अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद इसकी मेमोरी वापस आ सकती है, और डॉक्टर बोलता है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, मैं रिस्क नहीं ले सकता, और साथ में डॉक्टर तन्मा भी नहीं मानेंगे इसके लिए। और तब डिटेक्टिव पूछता है कि डॉक्टर तन्मा कौन है, डॉक्टर बोलते हैं डॉक्टर तन्मा जोहान का डॉक्टर है, और तभी हम देखते हैं
डॉक्टर तन्मा को, जो खिड़की से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। और तभी उनके सामने पहुंच जाते हैं डॉक्टर बैकर, जो बोलते हैं कि तुम तो काफी थके हुए लग रहे हो। डॉक्टर तन्मा बोलते हैं मैं सुबह से इमरजेंसी सर्जरी कर रहा हूं। और डॉक्टर बैकर बोलते हैं कि वो तुमसे बहुत ज्यादा काम करवा रहे हैं तुम्हारे डिमोशन के बाद। डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा लग रहा है। इसके बाद डॉक्टर बैकर बोलते हैं क्या तुम सच में ठीक हो। और तभी डॉक्टर तन्मा का पेजर बजता है और ये बोलता है कि माफ करना इमरजेंसी आ चुकी है, पेजर बज चुका है। और ये आगे बढ़ने लगता है। डॉक्टर बैकर बोलते हैं कि तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, अगर तुम चुप रहोगे तो फिर ये तुमसे और भी काम करवाते रहेंगे। इसके बाद हम जोहान के रूम के अंदर देखते हैं डॉक्टर बुयर, चीफ ऑफ सर्जरी, और डॉक्टर हाइनमैन को, जहां पे डॉक्टर बुयर बताते हैं कि देखो जरा इसको कितने ज्यादा गिफ्ट और लेटर्स मिले हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो न्यूज चैनल है वो सिर्फ इसी के बारे में बता रहे हैं, जिसकी वजह से लोग इनको सहानुभूति देने के लिए ये सब भेज रहे हैं। इस दुनिया में इन दोनों का और कोई भी नहीं बचा है, यानी कि मेडिकल का जो फीस है उसको भरने के लिए भी कोई नहीं आने वाला है। इसके बाद डायरेक्टर हाइनमैन बोलते हैं कि इनकी स्टोरी के बारे में सब जानना चाहते हैं, ये हमारे लिए एक मौका है अपने अस्पताल का नाम ऊंचा करने के लिए। इनकी एक फोटो लो और ऐसा दिखाओ कि जैसे अस्पताल के अंदर इनका बहुत ही ज्यादा केयर किया जा रहा है। इसके बाद चीफ ऑफ सर्जरी बोलते हैं कि हाँ, इस तरह की फोटो तो मीडिया हमेशा मांगती रहती है। डॉक्टर हाइनमैन बोलते हैं तो फिर करो, उनको इस तरह की एक फोटो दे दो ताकि हमारी जो हॉस्पिटल की रेपुटेशन है वो फिर से ऊपर चली जाए। और तभी डॉक्टर बुयर बोलते हैं कि इस लड़के का जो डॉक्टर है वो कहता है कि अभी भाई बहन को मिलने नहीं देना चाहिए। और तब डॉक्टर हाइनमैन पूछते हैं कि कौन है इसका डॉक्टर, और डॉक्टर बुयर बोलते हैं कि डॉक्टर तन्मा। इसके बाद डायरेक्टर हाइनमैन बोलते हैं कि उसे निकाल दो। चीफ ऑफ सर्जरी बोलते हैं क्या, और तब डॉक्टर हाइनमैन बोलते हैं कि हमें इस पोजीशन में इस तरह के इंसान को नहीं रखना चाहिए जो बहुत ही जल्दी अटेंशन ले लेता है, डॉक्टर तन्मा को इस केस से दूर रखो। और चीफ ऑफ सर्जरी हां बोलते हैं। इसके बाद डायरेक्टर हाइनमैन एक गिफ्ट का पैकेट खोलते हैं जिसके अंदर कैंडी होती है, और वो बोलते हैं कि देखो किसी सिटीजन ने गिफ्ट भेजा इसके लिए, तो क्यों ना हम थोड़ा सा चख लें। और वो एक कैंडी अपने लिए निकालता है और उन दोनों को भी कैंडी देता है। इसके बाद हम डॉक्टर तन्मा को देखते हैं जो अपने पेशेंट मिस्टर हैंकल से बातचीत कर रहे होते हैं और पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। मिस्टर हैंकल बोलते हैं कि अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इसके बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि आपके स्टिचेस भी हम बहुत जल्दी निकाल देंगे। और मिस्टर हैंकल बोलते हैं अच्छा, तो मैं अपने घर जा सकता हूं। और डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि बिल्कुल आप जा सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा रेस्ट लेना होगा। मिस्टर हैंकल हां बोलते हैं। इसके बाद डॉक्टर तन्मा नर्स से बोलते हैं कि इनकी रेगुलर मेडिसिन इनको देते रहना। और तभी अचानक से इनको एक भयानक आवाज सुनाई देती है जो कि आना की होती है। ये बाहर तेजी से दौड़ के जाते हैं और तब ये देखते हैं कि आना बेहोश हो चुकी होती है, उसको नर्स और एक डॉक्टर बाहर निकाल रहे होते हैं। इसके बाद डॉक्टर तन्मा आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। वो नर्स बताती है कि इसके भाई से मिलाने के लिए वो लेके गई थी इसको, लेकिन उसको देखते ही इसने चिल्लाया और उसके बाद ये बेहोश हो गई। इसके बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि ये सब करने की परमिशन तुम्हें आखिरकार किसने दी। तभी वहाँ पे डॉक्टर बुयर आ जाते हैं जिनके हाथ में एक कैमरा होता है। ये सब देखने के बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि इस लड़की को अपने रूम के अंदर ले जाओ। इसके बाद ये डॉक्टर बुयर से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो इस कैमरे के साथ। इसके बाद डॉक्टर बुयर बोलते हैं कि हम इन दोनों का एक इमोशनल फोटो उठा रहे थे ताकि हम इसको मीडिया में दे सके। और तब डॉक्टर तन्मा गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हें इसकी परमिशन किसने दी, मैं इसका डॉक्टर हूँ। इसके बाद डॉक्टर बुयर बोलते हैं नहीं, तुम उसके डॉक्टर नहीं हो, जोहान अब मेरा पेशेंट है और मेरे हिसाब से वो अपनी बहन से मिल सकता है। इसके बाद डॉक्टर तन्मा गुस्से में डॉक्टर बुयर का कॉलर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मीडिया के लिए चंद पैसों के लिए तुम इन बच्चों की जिंदगी के साथ कैसे खेल सकते हो। इसके बाद डॉक्टर बॉयर बोलते हैं कि मैंने ये सब डायरेक्टर के कहने पे किया, अगर तुम फाइट नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि मैंने उसकी जान बचाई और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद डॉक्टर बुयर बोलते हैं अगर ऐसा है तो जरा उस बच्चे की तरफ देखो। इसके बाद हम जोहान को देखते हैं जिसकी आंखों में आंसू होता है और उसने अपने हाथ आगे बढ़ाया होता है। डॉक्टर बुयर बोलते हैं जब इसने अपनी बहन को देखा तब इसका ये रिएक्शन था जो कि काफी नॉर्मल है, यानी कि तुम्हारी सर्जरी काम कर गई, कांग्रेचुलेशंस, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब जाओ अपना काम करो, और इसको धक्के मार के बाहर निकाल देता है। इसके बाद डॉक्टर तन्मा निराश होकर आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि ये एक सड़क पे चल रहे होते हैं जहां पे ये लड़खड़ा के चल रहे होते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा दारू पी ली होती है। और ये बोलते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि डायरेक्टर क्या कहता है, चीफ क्या कहता है, आखिरकार वो सब पैसों के और पावर के भूखे हैं, धिक्कार है मुझे उन सबके ऊपर। इतना बोलने के बाद ये एक गली के अंदर गिर जाते हैं क्योंकि दारू बहुत ज्यादा चढ़ चुकी होती है। और गिरने के बाद ये सिर्फ एक बात बोलते हैं कि मैं गलत नहीं था। इसके बाद हम इवा को देखते हैं जो अपने घर के अंदर पहुंच जाती है और बोलती है पापा मैं घर आ गई, क्या आप अपने रूम के अंदर हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम एक नर्स को देखते हैं जो इधर उधर घूम के चेक कर रही होती है कि पेशेंट सोए हैं या फिर नहीं। इसके बाद ये एक रूम के अंदर जाती है और बोलती है चीफ क्या आप यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। और तब वो कुछ देखती है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और तब हम देखते हैं कि वहाँ पे दो लोगों की डेथ बॉडी होती है, एक होती है डॉक्टर बुयर की और दूसरी होती है चीफ ऑफ सर्जरी की। इसके बाद हम इवा को देखते हैं जो दरवाजा खटखटा के बोलती है पापा क्या आप सो चुके हैं। और इसके बाद ये रूम के अंदर जाके देखती है जहां पे हम डॉक्टर हाइनमैन को देखते हैं जो अपने टेबल के ऊपर होते हैं लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहे होते, यानी कि डॉक्टर हाइनमैन की भी
मौत हो चुकी है। इसके बाद हम डॉक्टर तन्मा को देखते हैं जो अपने रूम के अंदर सो रहे होते हैं और वो एक ही चीज बड़बड़ा रहे होते हैं, अगर वो कमीना मर जाता है तो अच्छा है अगर वो कमीना मर जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ कि ईवा कमीनी पंक्ति में कितने पॉइंट्स डिजर्व करती है, 10 में से आप इसको कितने पॉइंट देना चाहोगे। और अगर मेरी तरह तुम्हें भी ईवा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और साथ में अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।